आज एक विशेष दिन है जो कि भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने और संकट पीड़ा का नाश करने के लिए है। जब जीवन में लगे पति बच्चे दुख पा रहे हैं या मेरे भी कहीं ना कहीं भाग्य की रेखाएं उदित नहीं हो रही है, तो इस उपाय को देर रात्रि तक आप सभी को कर लेना चाहिए। विशेष तिथि में किया गया उपाय कभी निष्फल नहीं जाता। आज विशेष चतुर्थी का दिन है, नवरात्रि के पावन पवित्र दिन चल रहे हैं। पैसा अगर रोग कर्ज दुर्घटना में खर्च होता है तो आज का दिन आपको छोड़ना नहीं है। इस दिन का भरपूर लाभ उठाएं, संकट पीड़ा से निश्चित ही मुक्ति होगी और जो चाहेंगे प्राप्त कर लेंगे। देर ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला सबसे सरल उपाय, अगर आपका शिव मंदिर जाना हो तो वहां करें, नहीं तो आज घर पर आप सभी को सबसे पहले दीपक का ही उपाय बतलाऊं, फिर बाद में ये वाला बताऊंगी। आप सभी को लेना है एक दीपक, ठीक है। दीपक आप मिट्टी का ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी को उस दीपक में लंबी बत्ती का प्रयोग करना है। माता लक्ष्मी का स्मरण करें, देवी मैया के दिन चल रहे हैं तो उनका स्मरण करें। घी की बत्ती का प्रयोग करें और लंबी बत्ती ही जैसा मैंने विदित कराया उसका आपको प्रयोग करना है। यह उपाय आप शाम को प्रदोष काल में करें, इच्छा आपकी है। सुबह मिलता है तो वीडियो सुबह करें। आप सभी को सबसे पहले यह दो दीपक बना लेने हैं, ठीक है जी। अब इच्छा आपकी है, आप मिट्टी का मैंने जैसे बताया आटे का भी ले सकते हैं। आटे का दीपक हो ठंडा होगा तो इसे चिड़िया कबूतर को डाल दीजिएगा, अन्नदान का भी सुख मिलेगा। आप सभी को आज दो दीपक बनाने हैं। एक सबसे पहले जिसमें आपको जो है कमलगट्टा डालना है, कमल का फूल का जो बीज होता है उसे कमलगट्टा कहा जाता है। आपने देखा होगा वह माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। गुरुजी ने कहा है शुक्रवार के दिन जरूर से कमलगट्टा मिला हुआ पानी आपको शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। वही आप सभी को लेना है, कमलगट्टा लेना है और आपको जो है दीपक के अंदर इसे डाल देना है, ठीक है जी। लंबी बत्ती का जैसे मैंने शुरू में ही विदित कराया, आपको अपने घर के दरवाजे पर यह दीपक माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए कि मेरे घर में देवी मैया का आगमन हो, घर परिवार में धन धान्य में वृद्धि हो, ऑनलाइन ऑफलाइन बिजनेस चल निकले और बच्चों के सब शुभ काम हो, यह प्रार्थना करते हुए आज घर के दरवाजे में लंबी बत्ती का घी का दीपक जिसमें कमल गट्टा डालना है जरूर से प्रज्वलित करना है। देवी मैया आपके जीवन में निश्चित ही इन दिनों चमत्कार करेंगे और यह चमत्कार आपको खुली आंखों से देखने को मिलेगा। तो पहला आपको यह करना है। दूसरा, आप सभी को विशेष तौर पर अपने घर की रसोई घर में, रसोई घर में जो व्यक्ति विशेष तौर पर नवरात्रि के इस विशेष दिन में दीप लगा देता है उसके जीवन में कोई बाधा आती ही नहीं है। माँ अन्नपूर्णा, माँ दुर्गा, माँ सरस्वती उसके घर में जो अन्न बनता है ना उसके भंडार भरती हैं और रसोई घर में आज के दिन लंबी बत्ती का घी का दीपक प्रदोष काल में जो नवरात्रि के दिन लगा देता है उसके जीवन में खुशियों के भंडार स्वतः ही भर जाते हैं और सदा सर्वदा उसके जीवन में खुशियाँ अपने आप ही आ जाती हैं। तो देर रात्रि तक अपने घर की रसोई में आज आपको माँ अन्नपूर्णा का स्मरण करते हुए जरूर से घी का लंबी बत्ती का दीपक लगाना ही है। तो करके देखिएगा, आपको इतना लाभ होगा जितना आप सोच भी नहीं सकते। तो यह दो दीपक तो आज आपको लगाने ही हैं किसी भी अवस्था में। साथ के साथ आप सभी जानते होंगे गुरुजी ने हम सभी का मार्ग हमेशा प्रशस्त किया है हर एक कार्य की सिद्धि में। तो चतुर्थी का दिन है, आपको लेने हैं गेहूँ के दाने। गेहूँ के दाने इच्छा शक्ति आपकी है, 11, 21, 51 जितने भी ले आप ले लीजिएगा, गिनने की आवश्यकता नहीं है। गेहूँ का ही समय चल रहा है, आसानी से गेहूँ आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो वही गेहूँ आपको लेने हैं और लेना है थोड़ा सा कटोरी में शहद और साथ में लेनी है एक दुर्वा। दुर्वा हर समय हर जगह मिल जाती है, दुब घास जिसे कहा जाता है। आज मेरे बच्चों की नौकरी लग जाए, विवाह संतान की परेशानी उनके दूर हो जाए, कष्ट संकट उनका मिट जाए, यह प्रार्थना करते हुए आप सभी को शिव मंदिर एक जल का लोटा लेकर चले जाना है। तत्पश्चात आप सभी को सबसे पहले शिव पर जल चढ़ाना है। उसके बाद जल चढ़ाने के बाद आप सभी जानते होंगे गणेश जी का स्थान कहाँ पर है। उस स्थान पर आप सभी को गणेश जी महाराज के सुंदर नाम मयूर ध्वज गणेश जी का स्मरण कर जो है सबसे पहले थोड़ा सा शहद का लेपन करना है। नाम गोत्र अपना बोलें या अपने बच्चे का भी बोल सकते हैं, इच्छा आपकी है। जिसके लिए उपाय कर रहे हैं कहने का अर्थ है उसका नाम गोत्र बोलिएगा। शहद लेना है, गणेश जी के स्थान पर लेपन करना है, मयूर ध्वज गणेश जी का नाम जो है स्मरण करते हुए जो गणेश जी का स्थान है मूर्ति प्रतिमा में नहीं करना है। इससे पहले मैंने ये वीडियो बनाया था तो उसमें यही प्रश्न हुआ था कि दीदी जो गणेश जी बैठे हैं उन पर नहीं, ऐसा नहीं, जो गणेश जी का शिवलिंग में स्थान है उस स्थान पर आपको शहद का लेपन करना है और एक दुर्वा समर्पित करनी है, दुब घास समर्पित करनी है। उसके बाद गेहूं के दाने आप 4 भी समर्पित कर सकते हैं, 2 गेहूं के दाने भी समर्पित कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। मयूरध्वज गणेश जी का स्मरण करते हुए आपको समर्पित कर देना है।
तत्पश्चात आप सभी को शिव मंदिर में शिवलिंग के ऊपर बचे हुए गेहूं के दाने चतुर्थी व्रत का स्मरण करते हुए आवश्यक रूप से समर्पित कर देने से जो जीवन में आप चाहेंगे ना आप स्वतः ही प्राप्त कर लेंगे। तो देर रात्रि तक आप सभी को इस उपाय को करने के लिए अपने आप को प्रबल करना है। बहुत सरल उपाय हैं, दो उपाय में एक उपाय चुनकर कीजिएगा। भाग्य की रेखाएं निश्चित ही प्रबल होंगी, गणेश जी महाराज की कृपा होगी, देवी मैया की कृपा होनी ही है। इससे पहले भी चैनल पर वीडियो आ चुका है, कृपया उसे देखकर जीवन सार्थक करें। जय माता।